हेलो दोस्तों, ये मोटोरोला का मोबाइल है, हमारे पास आया। ये चार्जिंग की प्रॉब्लम इसमें है। मोटोरोला का हम आपको मॉडल बता देते हैं। इसका मॉडल है XT1723। तो आइए देखते हैं इसमें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्यों नहीं हो रहा है। चलिए फटाफट इसे हम खोल लेते हैं। दोस्तों, इसको जो है थोड़ा सा बड़े ही आराम से इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि कई पत्ते लगे हुए हैं इसके अंदर और बहुत ही नाजुक होते हैं ये। डिस्प्ले का है और ये पत्ता जो है टच का है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये नेटवर्क का है, और ये वाला आपका पावर बटन और वायलोम दोनों का है ये। अब ये हमने सब निकाल दिया है। अब इस प्लेटफॉर्म उभारेंगे और इस तरह से देखेंगे आप, यहाँ नीचे एक पत्ता और लगा हुआ है जो कि नीचे से आया हुआ है। माइक, स्पीकर और उसके साथ जो भी लगे हुए हैं कंडेंसर डायोड है उसके पत्ता है वो, और ये बोर्ड है। अब इसमें देखते हैं कि इशू क्या है। ऐसे चार्जिंग पिन सही दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ तक दोस्तों करंट आ रहा है पिन से, बहुत मामूली से मिस्टेक है। अगर आपको इसे बदलना भी है तो आसानी से, मैं वीडियो और भी बना चुका हूँ कैसे बदला जाता है, लेकिन इसमें तो बदलना नहीं पड़ेगा। इसे ऐसे ही इसको जम्पर से ठीक कर दिया जाएगा। तो इसको, ये करंट माइक है, आप इसको निकाल दें। निकालने के बाद और उसे असेंबली से हीट करके इसको निकाल करके आप रिप्लेस दूसरा इसमें डाल सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके से ये डल जाएगा। तो आइए हम इसको जो है जम्पर करके देखते हैं इसमें क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्व सोल्यूशन हुआ कि नहीं उसका। दोस्तों, न्यूट्रल और फेस पर हम एक जम्पर देकर देखेंगे इसमें, क्योंकि पिन तक करंट आ रहा है बराबर, तो उससे आगे हम पिन से आगे करंट इसका पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बोर्ड के कंडेंसर और डायोड पर करंट इसका पहुंच जाए। ये न्यूट्रल है तो हम इसे न्यूट्रल पे जम्पर कर देंगे। ग्राउंड जिसे कहते हैं मोबाइल की भाषा में, फिर हम इसे चेक करेंगे कि करंट बराबर आ गया कि नहीं। दोस्तों, मैं मल्टीमीटर सामने भी रख करके आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा। ये करंट पूरी तरह से आ गया है इसके अंदर। मल्टीमीटर के DC 20 पर करके अगर आप चेक करेंगे तो प्लस माइनस को, तो 5.4 पॉइंट या 3 पॉइंट कुछ करंट आना चाहिए। से अब हम इसे फटाफट जो है
बांधते हैं और बांध करके चेक करके आपको बताते हैं कि इसका चार्जिंग इशू सही हुआ कि नहीं। दोस्तों बगैर कनेक्टर बदले हुए सभी मोबाइलों में कनेक्टर की दिक्कत नहीं आती है कि जो है चार्जिंग सॉकेट जो है चार्जिंग कनेक्टर जो भी बोलते हैं वो खराब हो जाए। कुछ मोबाइल ऐसे भी होते हैं जिनके सही होते हैं और आगे से कुछ इधर उधर साइड से कुछ फॉल्ट होते हैं। आप लोग जो भी मोबाइल खोलें उसको ध्यान से देख लें कि जो है कोई चीज छूटा तो नहीं है। जैसे देखिए हमारे फ्रंट माइक छूट रहा था, इस तरह से पत्ता इधर सामने होना चाहिए, ये भी पत्ता ये पत्ता सामने, और ये वाला नीचे का हिस्सा हमने लगा दिया है पहले ही, अब हम इसे लगाएंगे जी। ये इसका लॉक होता है दोस्तों, ये ऊपर करके और उसके बाद इसके अंदर करके और इसे दबा दिया जाता है, ये लॉक हो जाता है। उसके बाद इसी तरह से पावर बटन का भी होता है, ये लॉक ऊपर करके उसके बाद इसे रख करके और इसे दबा दिया जाए। ये नेटवर्क का तार होता है, इसे भी लगा देते हैं। अब लास्ट में दोस्तों डिस्प्ले की बारी है और इसमें भी ये लॉक होता है, इसको ऊपर करके और फिर इसे हम जैक के अंदर लगाते हैं। ये लग गया और इसे लॉक को फिर नीचे कर दिया जाएगा। बैटरी लगाकर चेक करेंगे तो आपको भी शौक होगा कि क्या हुआ। ये देखिए दोस्तों बगैर चार्जिंग कनेक्टर बदले हुए और हमने इसका जो है चार्जिंग का इशू जो था वो प्रॉब्लम जो था वो हमने सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से अगर कोई चार्जिंग का इशू आता है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। थैंक फॉर वॉचिंग।